मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट मुरादाबाद शाखा के कर्मचारियों द्वारा सिविलाइन स्थित सिंचाई विभाग में बैठक कर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों का एक मांग पत्र प्रमुख अभियंता एवं विभागीय अध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को भेजा। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट शाखा मुरादाबाद के कर्मिकों की पद स्थापना ऑनलाइन किए जाने का पुरजोर विरोध किया गया। ऑनलाइन पद स्थापना से यह संभावना प्रबल हो जाती है कि कर्मचारियों को जनपद से बाहर पद स्थापित किया जा सकता है। अभी जो स्थानांतरण जनहित में किए गए थे उसमें भी बड़े पैमाने पर स्थानांतरण जनपद से बाहर किए गए थे। जनपद पर कोई भी कर्मचारी इस संबंध में अपना विकल्प नहीं देगा। ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि ऑनलाइन पद स्थापना के विचार को निरस्त किया जाए तथा पदोन्नत कर्मचारियों को खंड में कुल स्वीकृत पदों के आधार पर कार्यरत जनपद में ही पद स्थापित किए जाएं। वैसे भी 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अगर मांग पत्र में उठाई गई मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो जनपद के कर्मचारियों में आम सभा में प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा आंदोलन का जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सभा की अध्यक्षता शिव कुमार प्रांतीय संयुक्त मंत्री और संचालन मोहम्मद जिशान जनपद अध्यक्ष व अनुज कुमार गहलोत मंडल मंत्री द्वारा किया गया। उपरोक्त धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से माननीय सरदार सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ मोहम्मद अली वारसी व राजू अंबेडकर नगर निगम से भाई हेमंत चौधरी व निश्चल भटनागर स्वास्थ्य विभाग से पशुपालन से भाई श्याम कांत शर्मा अंकुर रस्तोगी मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार जिला अध्यक्ष आनंद शर्मा इमरान अहमद इशाद अली राजेंद्र सिंह गहलोत मनोज उपाध्याय विक्रांत सक्सेना सुरेश देवान तक व राजीव कुमार कालागढ़ से शुभम त्यागी अवधेश कुमार अमरोहा विपिन कुमार राजाराम धामपुर राजेश शर्मा महेश पाल संभल से संजय सक्सेना फैजल खान रामपुर से रविश चौधरी बिजनौर से आदि लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन प्रेषित करेंगे जिसमें हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पिछले 4 सालों से जो हमारे साथी प्रमोशन पे आए थे उनके अभी तक पदस्थापनाएं नहीं। कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी प्रमोशन नहीं है। और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनके ट्रांसफर जो है साथियों बाहर कर दिए गए थे, जबकि स्थानांतरण नीति में उनको छूट प्रदान गई थी, जैसे जो राजकीय सेवा में जो दाम्पत्य थे।